हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है और छोटी सी वीडियो होगी। मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो, बोला है मुझे बहुत सारे लोगों ने। जस्ट अ जोक्स अपार्ट, कोई बोर नहीं होता, बिल्कुल बोर ना होइए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कैसे? तो ये जो दो पार्सल्स आपको दिख रही है, ये किस चीज़ के हैं ये आप ही बता देना। वैसे देख ही लोगे आप वीडियो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ। ये मेरी फ्रेंड का पार्सल है। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, लेकिन मैंने उसको बोला है कि ये जो अनबॉक्सिंग ये मैं करूँगी मेरे चैनल के लिए, तुम अपना अपना स्टफ लेके जाना, बट अनबॉक्सिंग के लिए मुझे दे देना। तो ये जो वीडियो है डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड, क्योंकि उसकी बदौलत मुझे मिल रहा है ये अनबॉक्सिंग। और ये मेरा खुद का है, ये किसी के ऑर्डर है, एक्चुअली ये किसी के ऑर्डर है, लेकिन अनबॉक्स करके मैं उनको वापस से भेजने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड करनी है इसमें। तो ये मुझसे पैक हो गया है, तो मैं शेल स्टोन जो है आपको दिखा दूँगी। तो आज की जो वीडियो है एक्चुअली वो है स्लेट आइटम्स पे, और उसमें मैं आपको बताने वाली, ये दो तीन पार्ट्स में आएंगी, ड्यू टू डिस्टेंस बोल रही हूँ, ड्यूरेशन। क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये दिखाना है, काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं स्लेट आइटम्स का यूज़। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगी, उसके बाद हाउ टू एयर आउट, उसको एयर आउट करके कैसे छोड़ना है, उसके बाद हाउ टू क्लीन, उसको ड्राई क्लीन कैसे करना है, वेट क्लीन जो होता है कैसे करना है वो दिखाऊंगी मैं। तो ये दो तीन टाइप्स में और दो तीन पार्ट्स में वीडियो बन जाएगी, तो स्टे ट्यून गाइज, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी ज़रूरी बात, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप लोग को पता है, तो प्लीज़ कॉल ज़्यादा ना करिए, प्लीज़ प्लीज़। आप दो दिन रुक जाते हैं, वापस से फिर तगादा शुरू हो जाता है कॉल्स का। मैं सारी कॉल्स नहीं ले सकती, कुछ कुछ कॉल्स जब मुझे सच में टाइम होता है मैं उठा लेती हूँ, लेकिन सारी कॉल्स मैं नहीं ले सकती, सो आई एम सो सॉरी। तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैं अवेलेबल हूँ, भले थोड़ा देर हो जाए लेकिन रिप्लाई आ जाता है आपको। नेगेटिव कमेंट क्यों ना हो, लेकिन मैं रिप्लाई कर देती हूँ, भागने वालों में से हम नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको जो भी आपका सवाल है आपको जवाब मिल जाएगा, एंड कॉल जितने कम हो सके उतने करिए। इट्स अ हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम साइड में रख देंगे, अनबॉक्सिंग हम करेंगे इसकी। ये छोटा सा पार्सल है, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये यहाँ आ जाओ भाई तुम थोड़ा सा, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसकी वीडियो और ये होगा थोड़ा सा अनबॉक्सिंग। देखो स्लेट का कैसे होता है मैं बता दूँ आपको, स्लेट में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो डस्टी बहुत होते हैं, आते आते टूट जाते हैं, लेकिन क्ले पॉट से तो कम ही टूटते हैं, मैं सच्ची बता दूँ आपको, क्ले पॉट से तो बहुत कम टूटते हैं, क्योंकि क्ले पॉट जो होते हैं ना, उसको आप कितना भी अच्छे से पैकिंग कर लो, उनको टूटना ही टूटना होता है, क्योंकि वो थोड़े से थिन होते हैं। स्लेट्स का वैसा नहीं है, स्लेट्स का ऐसा होता है कि थोड़े से थिक होते हैं और टाइट पैकिंग हो जाती है, अच्छी खासी टाइट पैकिंग होती है, तो उसकी वजह से उनका टूटने का जो चांस होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप ये एक ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बार्स वगैरह जो होते हैं ना वो ज़्यादा टूटते नहीं है, लेकिन स्लेट पेंसिल्स हो गई या फिर कुछ आइटम्स हो गए, स्लेट आइटम्स हो गए, तो वो थोड़े से टूट जाते हैं। फिर भी एक अच्छी खासी बॉक्स में हम पैक करते हैं, और उसी के साथ साथ बॉक्स के साथ साथ हर एक आइटम जो होता है वो पॉलीथिन में होता है, विदाउट पॉलीथिन मोस्टली कुछ नहीं होता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छे से आपको आइटम्स मिले, स्लेट आइटम्स आपको मिले, क्लेज अच्छे से मिले, ज़्यादा चूरा ना पहुँचे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पार्सल मिलते हैं, लेकिन ना वो अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करते हैं और ना ही रिव्यूज़ देते हैं, ना ही फोटोज़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना करें। आप रिव्यूज़ दीजिए, बिल्कुल रिव्यूज़ दीजिए, खुल के रिव्यूज़ दीजिए, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, वीडियो शेयर करिए, फ़ोटो शेयर करिए। मैं हर किसी को वैसे बोलती ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आ ही जाएगा, लेकिन नहीं, लोगों को जब मैं पूछती हूँ पार्सल मिल गया, सामने वाला बोलता ख़त्म भी हो गया, मतलब कम ऑन, ख़त्म होने से पहले एक एक वीडियो एक फ़ोटो तो बनती है मुझे, क्योंकि मुझे भी देखना होता कि पैकिंग जो हम कर रहे हैं सही है गलत है, कैसा है, आपको सही जा रहा है नहीं जा रहा है, क्लेस टूट रहे हैं नहीं टूट रहे हैं, क्या है कैसा है। तो ये रिव्यूज़ आप ही से मिलेंगे ना, मुझे और किससे मिलेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वीडियोस या फिर फोटोज़ जो आपको पॉसिबल है बन सकता है आपसे, वो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो ये खुल चुका है, ये 1 kg का है, ये लगता नहीं है 1 kg का, बट है, क्योंकि इसका वेट बहुत होता है, ठीक है। तो हम इसे निकालेंगे,
बहुत टाइटली बिठाते हैं जानबूझ के ताकि वो टूटे ना। ओ वंडरफुल, नहीं टूटा है, देखो कितना प्यारा है, ये तो मैंने अभी निकाला है। नाइस, हम सारे निकाल लेते हैं। मुझे इनकी शेप्स बहुत पसंद आती है, ये टूट गया है भाई, मुझे इनकी शेप्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ओपन। तो अब देखो लाइट लगा दो क्या, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है अभी बहुत जोर की। लाइट्स तो मैंने लगा दिए हैं, दिन दहाड़े लाइट लगाने पड़ रहे, इतना अंधेरा हो गया बाहर, ऐसे लग रहा है जैसे सच में बहुत जोर की बारिश आने वाली है। तो ये है बार्स, और तीनों कलर्स के बार्स है इसमें, आप देख सकते हैं अच्छे से। कैमरा क्वालिटी की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, वैसे अच्छा कैमरा है मेरे फ़ोन का, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सब कलर सेम ही दिखते हैं। लुक एट दिस, थैंक गॉड टूटा नहीं, मोटा है इसलिए टूटा नहीं, छोटे छोटे टूट जाते हैं। रेड कलर बार्स है, अब आई डोंट नो ये इसका कलर कितना क्या कैसा दिख रहा है। ये है रेड कलर के बार्स, सॉफ्ट में है, बहुत सॉफ्ट वाले मंगाए मैंने, जिसको मतलब जिसकी ऑर्डर है उसको उसको वैसे ही चाहिए थे, सॉफ्ट में ही चाहिए थे। कुछ लोग हार्ड पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रंची पसंद करते हैं। पैकिंग देख लो, पैकिंग बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ पॉलीथीन में है, स्लेट हो या बार्स हो या कोई भी, और सबसे ज़रूरी बात सेलो टेप से पैक किया है, देख लो हर एक चीज़ सेलो टेप से पैक की है। देखिए आपको प्रॉपर सेलो टेप से लगाया हुआ है, ये शायद एक टूट गया है, ब्लैक, ओए वंडरफुल, ये ब्लैक है, ये टूट गया है थोड़ा सा, ये टूट गया है। वाओ लुक एट द शेडिंग, शेडिंग देखो, और ये कितना सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट वाला है, वैसे ये वाला स्टॉक बहुत सॉफ्ट निकला है इस बार का, रेड और ब्लैक। ओके अब बारी है वाइट की, देखो पैकिंग भी बहुत मैटर करती है, पता है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पैकिंग मैटर करती है, क्ली क्वालिटी तो मैटर करती ही है। वाह बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, वाइट वाला बहुत अच्छा सा सॉफ्ट है। अच्छा सिर्फ वीडियो इस पे ही नहीं बनेगा, दूसरे जो क्ले आइटम्स मैंने रिमूव किए थे, अनबॉक्स किए थे, वो भी मैं इसके साथ दिखाऊंगी, और उसमें से फिर कैसे क्लीन करना है, कैसे एयर आउट करना है, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, वेट क्लीनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग बोथ। ठीक है, तो ये वाइट है, अब क्या बचा है, ये दोनों, इसको निकाल लेते हैं। नाइस, ग्रे कलर में है ये ग्रे है, ये न्यू अवेलेबल हो गया है अभी स्टॉक में, ग्रे कलर। तो ये हो गया वाइट, एक के ऊपर एक रख देंगे, मेरे हाथ में बैठेगा ही नहीं इतना। ठीक है वाइट एक ही रखती हूँ, उनको ब्लैक गिर जाएगा, रेड और ग्रे। अब ये कितना क्या फर्क दिख रहा है आपको, देख लो इसकी एक फोटो तो बनती है, वेट। ओके ये सारे बार्स अवेलेबल है, इसकी थिकनेस देख लो कितनी प्यारी है, वैसे इसकी क्यूबिकल्स आप बना सकते हो, आपको इसकी अगर थिकनेस कम करानी है आप कम करा सकते हो, आधी बनानी है आधी बना सकते हो, इतनी आपको जैसे चाहिए वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, यही फैसिलिटी अवेलेबल है मेरे पास बहुत अच्छे से। ये देखो सारे बार्स अवेलेबल है। ठीक है आप ये इसको अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सअप करिए मुझे, सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि आप व्हाट्सअप करिए, फ़ोन ना करिएगा, और ऑर्डर देने के लिए आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम। प्राइजेस अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे प्राइजेस पूछ लीजिए, आपको प्राइजेस मिल जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि नेक्स्ट डे स्लेट्स के जो ऑर्डर्स हैं मेरी उसी दिन या नेक्स्ट डे चली जाती है, नाकुमट और बटगरी की ऑर्डर जो है वो ट्यूजडे और फ्राइडे जाती है। ओके तो अब ये हमने खोल लिया है, ये लास्ट जो था
ये पूरा चूरा हो गया एक्चुअली, क्योंकि ये थिन स्लेट पेंसिल्स थी, वो बल्क में चाहिए थी किसी को, तो उन्होंने बोला था मुझे मिलेंगी क्या, तो ये ट्राई टेस्ट करने के लिए उन्होंने मंगाया था। इसका भी बल्क ऑर्डर है एक्चुअली, तो ये बल्क के लिए ही मंगाई गई थी, तो ये ट्रायल पैक था उनके लिए। ये क्यूबिकल है छोटा वाला, जो पूरा टूट गया है, देखो ओ पूरा टूट गया है। स्लेट पेंसिल्स थी, मतलब मोटा वाला क्यूबिकल था ये, देखो बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है, देखो वाह। ये ब्लैक एंड वाइट में थी लेकिन ये टूट गई है, ठीक है, इसको हम रखेंगे साइड में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देंगे फेक, ऑब्वियसली इसका कुछ काम नहीं बनता फिर बाद में, ये तो जाएंगे अब डस्टबिन में। अब इसके बाद क्या करना है मैं बता दूँ आपको, इसको ना एयर आउट करना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पैकिंग पैक होते हैं 6-7 दिनों से ट्रैवल करके आते हैं, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। कैसे छोड़ोगे आप इसको थाली में छोड़ सकते हो, प्लास्टिक बोल होता है, कोई प्लेट होती है उसमें आप छोड़ दो, इसको अच्छे से अलग अलग छोड़ दो, ऐसे इसको अच्छे से अलग अलग छोड़ दो, कम से कम आधे दिन के लिए, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद ऐसे छोड़ने के बाद एयर आउट, इसको एयर आउट करना बोलते हैं, एयर आउट करने के बाद फिर इसकी होगी क्लीनिंग, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्लीन कैसे करना है, ड्राई क्लीनिंग कैसे करनी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लेयर दिख रहा है उस पर, है ना, ये जो लेयर है ना वो निकालनी होती है, ठीक है। एक साइड तो बहुत प्लेन होता है क्योंकि कटिंग वाला होता है, स्टोन कट होके आता है ये, तो ये वाला जो होता है ना रफ ओबर धाबर टाइप, तो ये कट करना होता है, ये देखो ये प्लेन है फिर भी ये निकल जाता है, देखो कितना ब्लैक है, ये प्रॉपर ब्लैक है, तो ये निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एयर आउट करने के बाद इसकी ये जो लेयर, ये देखो ये इसमें डिफरेंस दिखेगा आपको, ये देखो और ये देखो, है ना, अब देखो फर्क है ना, फर्क, एक साइड बहुत क्लीन है प्रॉपर कटिंग की और एक साइड थोड़ा सा ये वाला। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये साइड जो होती है आपकी, उस पर लेयर बनी होती है, वो आपको निकालनी होती है, उसके बाद फिर आप इसको क्रंच कर सकते हो आराम के साथ, ज़्यादा सॉलो ना करिएगा, आफ्टर ऑल स्लेट होती है, स्लेट पानी में थोड़ा सा कम घुलती है, कंपैरेटिवली नाकुमर्ड बटरग्रे से कम घुलती है पानी में, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, डोंट सॉलो मैं तो कहूँगी, क्रंच करके स्पिट कर दो, ज़्यादा सॉलो करो ही मत इसको, और अगर थोड़ा बहुत सॉलो करना भी है आप डाइजेस्ट कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर डाइजेशन एपेटाइट जो भी है आपका उस पर, तो इसको वेट करिए, पानी में भिगो ये रात भर, 2 दिन जब भी भिगो सकते हैं, पानी चेंज करिएगा, तो रात भर अगर भिगोते फिर नेक्स्ट डे उसको ऊपर का लेयर निकाल के यू कैन कंज्यूम इट, ठीक है, वो भी बहुत कम अमाउंट में लेना, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। वैसे स्लेट पेंसिल्स पाउडर भी अवेलेबल है मेरे पास, वाइट ग्रे रेड ब्लैक, चारों स्लेट पेंसिल्स की पाउडर अवेलेबल है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे एयर आउट, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में शायद शाम को डाल दूंगी या फिर कल सुबह आ जाएगी, तो स्टे ट्यून गाइस, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर लाइफ, इट्स टू शॉर्ट, एवरी मोमेंट को एंजॉय करो। कोई भी अगर ऑर्डर हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कॉम्बो के लिए रिक्वेस्ट हो, जो भी हो, व्हाट्सअप मी, ठीक है, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगी। एंड सबसे ज़रूरी बात जो कहनी थी मुझे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, एक बार बोल दिया तो लास्ट, बस एक बार आखिरी बार है मेरा, मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मैम ट्राई कीजिए, 100 ज़्यादा ले लीजिए, ये कीजिए, भरोसा रखना नहीं रखना आप पे है, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनी वन, ऑर्डर करना है नहीं करना है कंप्लीट अप टू यू, बट कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी कैश ऑन डिलीवरी, मैं पोस्ट से भेजती हूँ, तो बात समझिए आप, स्पीड पोस्ट से अगर किसी को चाहिए तो बहुत अर्जेंसी में एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है, तो 1-2 पार्सल्स मैंने भेजे भी है, जो कहीं जाने वाले थे 1-2 महीने के लिए, तो उनको पार्सल्स चाहिए थे, पैक हो गए थे, पेड हो चुके थे, गए नहीं थे, तो उनको मैंने ट्रैकिंग चेंज करके, पैकिंग चेंज करके स्पीड से भेज दिया था, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, ठीक है, 200-250 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, तब जाके वो स्पीड पोस्ट से गया था, स्पीड पोस्ट महंगा होता है, नेक्स्ट डे या और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मिल जाता है, हर पार्सल्स के लिए मैं नहीं कर सकती, इतना टाइम, इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन COD नहीं है तो नहीं है, आई एम सो सॉरी। प्री ऑर्डर जैसे आप करते हो वैसे प्री पेमेंट रहेगा, जीपे
पेटीएम दोनों पे मेरा नंबर अवेलेबल है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करिए, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड और नेम अपना मुझे मैसेज करिए, आपको 5 से 7 to 8 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। ओके चलो गाइस, ध्यान रखो ठीक है, और ऑर्डर के लिए मुझे व्हाट्सअप करो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, बाय, टेक केयर, बाय गाइज।